के ही युवकों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। पीड़ित ने 5 आरोपियों के खिलाफ थाने पहुंच कर दी तहरीर कार्रवाई की मांग। देखिए संभल से उमेश गुप्ता की रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया जिला संवाददाता संभल। थाना कैला देवी क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानपति के गांव के ही युवकों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। शनिवार को वर्तमान ग्राम प्रधान पति राम बहादुर निवासी बहादुरपुर सराय और रायपुर थाना कैला देवी जनपद संभल के मोबाइल व्हाट्सएप गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा एक वायरल वीडियो भेजी गई। वायरल वीडियो में दिखाया गया था कि गांव की सड़कों पर पानी भरा है और एक बच्चा ग्राम प्रधान को गाली गलौज कर रहा है। वह वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल है। वीडियो की शिकायत करने अवधेश के पास आया। आरोप है कि शिकायत से नाराज होकर आग बबूला हो गया और गाली गलौज करते हुए घर से भगा दिया, जिसके प्रधानपति द्वारा शनिवार को पुलिस चौकी खेड़ी पर आरोपियों के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया गया। आरोप है कि जब प्रधानपति पुलिस चौकी खेड़ी से वापस घर आ रहा था तो इसी बीच रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गाँव के लगभग 6-7 लोगों द्वारा गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। आरोपियों ने थाना पुलिस को खौफ नहीं है, जिसकी सूचना चौकी पुलिस को दी गई। रविवार को प्रधानपति थाना कैला देवी पहुंचे और दोबारा लिखित में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित राम बहादुर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मारपीट करने वाले लोग दबंग व हैकर किस्म के व्यक्ति हैं और इनके थानों में भी मुकदमे चल रहे हैं। कैला देवी थाना प्रभारी राजीव कुमार मलिक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि खिड़नी चौकी क्षेत्र में गांव के प्रधानपति के साथ कोई मारपीट हो गई है, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र आ गया है और जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चे बाहर निकल कर तो पेटी को फाड़ दिए। उसके बाद में फिर हमने लड़का भेजा प्याल भरने खेत पे, तो वहाँ जा करके 2-3 लड़के गए और ट्रैक्टर में लड़का हमारे प्याल भर लेते, तो वहाँ जाकर ट्रैक्टर घेर लिया। फिर मैंने पुलिस की मदद ली, वहाँ पे आया, फिर मैं चौकी पहुँचा। चौकी पहुँचने के बाद मैंने तहरीर दी। तहरीर देने के बाद मैं घर वापिस जा रहा था, रास्ते में मेरी जानलेवा हमला कर दिया। मोटरसाइकिल चलती मोटरसाइकिल में राट मारी थी, लोहे की राट थी, और जब लोग बाग आए सुन के, आवाज़ सुन के लोग बाग आए थे तो तमंचा लहराते हुए और डरपा के लोगों को भाग के चले गए। क्या लोग थे आप? वो बात जब फिलहाल वहाँ 4 थे और घर वगैरह 6 लोग थी। नहीं, आप बाइक पे क्या लोग थे? दो लोग थे। दो लोग, छोटा भाई, बीच वाला भाई था मेरा, मैं था। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। तो गांव वालों को आप देख फरार हो गए? हाँ, फरार हो गए, तमंचा लहरा थे, फरार हो गए। तो इस मामले में अब दोबारा तहरीर दी आपने? दोबारा तहरीर दी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये दबंग लोग हैं, इन पर बहुत मुकदमे हैं, इनका मुकदमा ही समाप्त हो जाता है। क्या नाम है, इनके नाम बता सकते हो? अतुल है, मुकेश है, और निर्बोध है, और रजनेश है, और राकेश है, और उसका उसका डीपी का लड़का है लोकेश। लोकेश, तो कितने लोग थे ये? यहाँ तो 4 लोग थे और मकान